हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नोटिफिकेशन पीएसके में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ट्रिपल सी कैसे करें और इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, फॉर्म भरने से लेकर और सर्टिफिकेट आने तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, यहाँ पर लाल सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो ट्रिपल सी एक कंप्यूटर कोर्स है, यानी कि एक प्रकार का कंप्यूटर कोर्स। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, वो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, CCC, तो ट्रिपल सी। अब बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कब होता है। तो ट्रिपल सी का ऑनलाइन फॉर्म हर महीने होता है और इसका एग्जाम भी हर महीने होता है, एडमिट कार्ड भी हर महीने आता है और रिजल्ट भी हर महीने आता है। तो यदि किसी महीने में आपने अपना फॉर्म भरा, मान लीजिए कि आपने मार्च में अपना ऑनलाइन किया, तो आपका जो एग्जाम होगा वो 2 महीने छोड़कर तीसरे महीने, यानी मार्च अप्रैल मई में आपका एग्जाम होगा। तो यदि आप 1 से लेकर 30 तारीख तक अंदर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका एग्जाम तीसरे महीने में होगा। अब बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे करें। तो इसको ऑनलाइन फॉर्म जो है फ्रेंड्स, वो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें आप अपने मोबाइल से ही आपका फोटो और आपका सिग्नेचर और थंबनेल, इसका थंबनेल बाएं हाथ का थंब लगता है, उसको स्कैन करके मोबाइल में पहले से ही रख लीजिए और अपना फॉर्म भर के और पेमेंट आप अपने ATM कार्ड से कर सकते हैं। तो इसका आप घर पर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं करवाएंगे सेंटर पर तो वहां से भी आप करवा सकते हैं। तो घर पर करेंगे तो आपको खर्चा कम लगेगा, यानी 590 रुपये में इसका कंप्लीट होता है, तो 590 रुपये लगेंगे। और नहीं तो सेंटर से करवाएंगे तो वहां कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी ले सकता है। अब बात करते हैं फॉर्म भरने के बाद इसका एडमिट कार्ड कब आता है। तो फ्रेंड्स, जो फॉर्म इसका भरने के बाद आपका तीसरा महीने में एग्जाम होगा, तो एग्जाम से 1 सप्ताह पहले इसका एडमिट कार्ड आ जाता है। वैसे तो इसका एडमिट कार्ड 14 दिन तक लगता है, लेकिन 1 हफ्ते पहले ही अब बहुत जल्दी से आ जा रहा है। अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब आता है। तो यदि आपका एग्जाम हो चुका है ट्रिपल सी का, तो उसका रिजल्ट जो है वो लास्ट एग्जाम के 1 सप्ताह बाद, यानी कि 20 तारीख तक एग्जाम होगा। यदि 1 से स्टार्ट है तो 20 तारीख तक एग्जाम होगा, 20 के बाद आपका 26 तारीख या 27 तारीख, यानी 1 सप्ताह बाद आपका रिजल्ट भी आ जाता है। और रिजल्ट के 1 सप्ताह बाद इसका सर्टिफिकेट जारी होता है। तो सर्टिफिकेट फ्रेंड्स, यदि आप डाउनलोड करना चाहें घर पर, तो घर पर भी अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसको निकलवाने के लिए आपको कहीं जन सेवा केंद्र पर जाना होगा, वहां से आप उसका सर्टिफिकेट तो निकलवा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।